वीडियो हम देखने वाले हैं बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक, जिससे हम स्क्वायर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं और बहुत फटाक से निकाल सकते हैं। मतलब तुम 2-3-4 सेकंड में फटाफट निकाल भी दोगे अगर एक बार तुम परफेक्ट हो गए तो। अपन ज्यादा बात नहीं करते, मेथड देखते तो ज्यादा सही रहेगा। चलो तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ पहली मेथड कि अगर अपने को 1 to 100 कोई भी 2-digit नंबर हो, 1 to 99 कोई भी 2-digit नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो बहुत आसान है। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 94 का स्क्वायर निकालो, तो 94 का होल स्क्वायर क्या करना है अपने को, 4 का स्क्वायर लिखो 16, 9 का स्क्वायर लिखो 81, ठीक है। फिर यहां जो नंबर लिखे ना सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो क्या 9 × 4 × 2 कितना होगा, 9 × 4 = 36, 36 × 2 = 72, उसको यहाँ पे प्लस कर दो, बीच में लिखना एक यूनिट डिजिट यहां से छोड़ देना और एक यहां से, ठीक है। तो 6, 2+1 = 3, 7+1 = 8 और 8 ये अपना आ गया 94 का स्क्वायर, है ना इजी। चलो एक और देख लेते हैं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा हो ये तो एक और ले लो। 81 का अगर स्क्वायर निकाल लो तो क्या करेंगे, 81 का स्क्वायर निकाल लो तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो है ना 2-digit नंबर आएगा तो 01 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ 01 लिख देना। 8 का स्क्वायर 64, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 8 × 1 × 2 तो 8 × 2 = 16, तो आ जाएगा 16, ठीक है। तो 1 6 6 1 5 6 5 6 1 होता है 81 का स्क्वायर, है ना इजी मेथड। चलो एक और देख लेते हैं, अपने को अगर दे दिया 76 का स्क्वायर निकालो तो 76 का तुम लोग ट्राई करो इसी मेथड से, 76 का होल स्क्वायर निकालना है अपने को, निकालो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 6 × 2 = 12, 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84 यहाँ पे 84 को प्लस कर देंगे, 12 × 7 करके देख लो ना 7 × 14 = 84, ठीक है। अगर तुम सी नहीं बन रहा हो तो ये जाएगा 6 7 9 8 17 5 5 7 7 6 हो जाएगा अपना आंसर, है ना इजी मेथड। बहुत जल्दी आ गया ना, तो इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अपन ने मेथड तो सीख ली, अब इसकी प्रैक्टिस भी तो चाहिए, तो ये वाले क्वेश्चंस करके देखना तो तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करना है इसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करके देखो, आंसर लिखा फटाफट निकालो तो समझ आ गया होगा, है ना। तो मजा आया मेथड में। चलो अब अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए 25, 35 इस टाइप के नंबर हो, 25 हो, 35 हो, 65 हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना, इसे थोड़ा स्प्लिट कर दो। 2 जो है 2 से एक नंबर इंक्रीज करो तो क्या होता है, 2 से एक नंबर इंक्रीज 3, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो 6 और यहाँ इस 5 का स्क्वायर लिख दो चुपचाप 25, तो आ जाएगा 25, तो ये 625 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे अगर मैं 35 को पूछ लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 से एक नंबर इंक्रीज करेंगे डेट इज 3 × 4 और यहाँ 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25, 3 × 4 = 12 तो ये हो जाएगा 1225, है ना इसी। तो अपन आप लेफ्ट साइड पे करते हैं, अगर मैंने 45 पूछा तो क्या होगा, 4 से एक नंबर इंक्रीज करेंगे दैट इज 5, 4 × 5 होगा 20, वहां 5 का स्क्वायर 25 तो 2025। अगर मैं 65 को पूछूं तो उसे तो 6 से एक नंबर इंक्रीज करेंगे, 6 × 7 करेंगे, 6 × 7 का कितना होता है 42, तो 4225 हो जाएगा। अगर अपन 85 को बोले तो क्या होगा, आ गया ना आंसर। 95 को बोलूं तो क्या होगा, आ गया आंसर, मुंह पे आने लगा ना आंसर। अगर 55 को बोलूंगा तो क्या होगा, 5 × 6 = 25, 5 × 6 = 30, 3025। अगर 75 को बोलूंगा तो क्या होगा, 7 × 8 = 25, 7 × 8 कितना होता है 56, तो 5625, क्लियर है। तो मजा आया इस मेथड में। तो बस एक लास्ट मेथड और देख लेते हैं, ये बहुत इजी है, कोई भी नंबर जो 50 के पास हो उसका स्क्वायर निकालना। तो अपन कैसे निकालेंगे, एक ही स्टेप पे आंसर आ जाएगा। जैसे अपने को दे दिया 43, तो एक चीज याद रखना, जब भी इसके पास वालों का नंबर निकालना तो 25 को अपने दिमाग में बसा लेना, 25 बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है पता चल जाएगा। 43 का स्क्वायर निकालना है, 43 50 से कितना कम है, 43 50 से 7 कम है, तो चुपचाप 7 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे 49, ठीक है। और जो 25 है उसमें से 7 को माइनस करो, 25 को अगर मैं 7 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 7 में से माइनस करूंगा तो 89 होते हैं, आ जाएगा 1849, ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर, है ना इजी। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें निकालना है 41 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 41 50 से कितना कम है, 41 50 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर लिख देंगे अपन 81, ठीक है। 41 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 9 का स्क्वायर अपन सबसे पहले 81 लिख देंगे, ठीक है। अब 25 में से कितना माइनस करेंगे, कितना कम था 9 कम था, 25 में से 9 माइनस कर दो, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो अपना बच जाएगा 16 बचेगा ना, कह लेते 16 तो 1681 का स्क्वायर होता है ना इजी। एक और देख लो, अगर तुमसे बोलते हो 48 का निकालो
तो 48 कितना कम है उससे, 50 से, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसे अपन 04 लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना, क्या लिखेंगे 04, 2 डिजिट में लिखना है, 04 लिखेंगे, ठीक है। कितना कम था, 2 कम था, तो 25 में से 2 माइनस करो तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, तो ये 2304 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ, क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चन खुद से करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया एक और चीज, अगर तुम्हें दे दिया 52, अगर 52 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4, क्या लिखेंगे 04, 4 अकेला नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में आप 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है, 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा, 2704 हो जाएगा 52 का स्क्वायर, है ना इजी। अगर तुमसे बोल दिया 56 का निकालो तो ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 36, और 25 में क्या करेंगे 6 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 31, तो 3136 हो जाएगा 56 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ऐसे ही तो कुछ और क्वेश्चंस करके देख लेना और कैलकुलेटर से चेक भी कर लेना, जैसे तुम 51 कर सकते हो, 53 कर सकते हो, 54 कर सकते हो, 55 कर सकते हो, 47 कर सकते हो, 46 कर सकते हो, 45 कर सकते हो, 41 कर सकते हो, 41 मैंने करा है, 42 कर लेना, ठीक है। तो ये तुम करके देखो, आंसर चेक करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, और मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और इसे शेयर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।